ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनिए। इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स ए कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए इट्स ए डीप फेक, फिर उसको देखें, आनंद करें, जो करना है करें, लेकिन उस पर आना चाहिए। उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी मेरी एक अपेक्षा है जिसको मैं समझता हूं कि आप जरूर मदद कर सकते हैं, किसी भी समाज में, व्यक्ति में, राष्ट्र जीवन में कुछ पल आते हैं, कुछ कालखंड आता है जो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए एक जंप दे देता है। आज मैं जो वैश्विक परिस्थितियां देख रहा हूं, जिस जगह पे मैं हूं तो मुझे कुछ ज्यादा गहराई में देखने का अवसर मिलता है, मैं समझता हूं शायद ऐसा काल हम लोगों के सामने हम देख पा रहे हैं। हमारा ये कालखंड उस भव्यता की तरफ जाने वाला कालखंड से जुड़ा हुआ है। विकसित भारत की बात ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये जमीनी सच्चाई है, पूरी संभावना है। अब जैसे इस बार वोकल फॉर लोकल, आप सबने भी मेरी मदद की, ठीक है अभी तो लोगों का दिमाग दिए तक रहता है, उनको लगता है वोकल फॉर लोकल मतलब दिया खरीदना, उसको ये मालूम नहीं कि मैं गणेश चतुर्थी में छोटी आंख वाले गणेश जी क्यों लेता हूं और कहां से लेता हूं। हमारे देश के गणेश जी तो छोटी आंख के हो ही नहीं सकते, लेकिन लेता है, पता नहीं उसको। अगर हम वोकल फॉर लोकल इस विषय को जितना बल दिया, और मैं इस छठ पूजा के साथ जोड़ करके हिसाब लगाऊं तो इस एक वीक में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें हर छोटे मोटे व्यक्ति की जिंदगी में कमाई होती है। और मैं इसी ताकत के आधार पर कहता हूं कि हम विकसित भारत की विषय को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विश्वास पैदा करना होता है। सकारात्मक चीजों से लोगों को, किसी की वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, असत्य को दबाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं करूंगा, लेकिन जो चीजों में सामर्थ्य है, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी चीजों को हम बल दे सकते हैं। और ये भी सही है कि विकास, आर्थिक बाबतें, ये अब केंद्र में रहने वाली हैं आने वाले 25 साल तक, क्योंकि विश्व भी हमारा मूल्यांकन उस बात पर कर रहा है। और इन दिनों जहां हम हैं और जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। मैं अभी आपके बीच आया हूं, लेकिन मैं चुनाव के मैदान से नहीं आया, मैं ग्लोबल साउथ समिट में से आया हूं। 130 देशों का ग्लोबल साउथ समिट में होना, ये अपने आप में, मैं मानता हूं जो आपके यहां जो विदेश मंत्रालय की चीजें देखते होंगे, इनके लगता होगा कि ये बहुत बड़ी बात है, यानी कुछ तो है जिसके कारण ये हो रहा है। हमने 40 से 50 साल की आयु के लोगों को खो दिया, कोविड के बाद पहली बार त्योहार का आनंद आया है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने, और अब सोशल लाइफ तनावपूर्ण हो गई है।
सोशल मीडिया का इंपैक्ट लोगों पर तेजी से पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी मुख्यालय में ये बोलते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि भारत के त्योहार अब ग्लोबल हो चले हैं, छठ पूजा उत्सव ग्लोबल हो गया है। कोविड के बाद पहली बार त्योहार का आनंद आया है। सोशल मीडिया के इंपैक्ट का जिक्र भी प्रधानमंत्री इस दौरान करते नजर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे कि त्योहार ग्लोबल हो गए हैं, तो भारत के सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति भी ग्लोबल होती जा रही है। चलिए मेहमानों का रुख मैं वापस से करूंगी। हमारे साथ रत्नेश जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। अश्विनी शाही जी अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। AK मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और सुनील कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी तीन मेहमान हैं और भी दो बाकी के शेष मेहमान हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान हो रहा था, अब हम मतदान की जो प्रक्रिया है उस पर वापस आते हैं। नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आता है, मतदान करके वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के अलावा अगर किसी और को वोट कास्ट किया तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। आपको लगता है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं उससे मतदाताओं की मानसिकता, उनका जो उनकी मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन आता है क्या? बिल्कुल आता है। मुझे लगता है कि सरकार का वो हिस्सा है और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन बयान दिया है तो मुझे लगता है उस पर बड़ी कार्रवाई और तत्काल कार्रवाई भी चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी। मतलब ऐसा कौन सा है कि यदि आपके खिलाफ कोई वोट देगा तो लोकतंत्र का मतलब क्या रहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या रहा? बिल्कुल, यदि लोकतंत्र में आप, लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो व्यक्ति है, जिसको जो दल पसंद आ रहा है, जो नेता पसंद आ रहा है, जो प्रत्याशी पसंद आ रहा है, वो अपने हिसाब से फ्री होकर के बिल्कुल वोट उसको करे। लेकिन ऐसा कोई भी राजनीतिक दल का नेता कहता है, आप तो एक सरकार में मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, यदि आपका ये बयान है तो मैं कहूंगा बहुत निराशाजनक बयान है और ये बयान कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करता है। ठीक है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है। अश्विनी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अश्विनी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी जी, नरोत्तम मिश्रा के बयान का जिक्र यहाँ पर कर रही थी, नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को कोड किया है कि बीजेपी के अलावा अगर किसी भी पार्टी को आप वोट कास्ट करते हैं या बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो जश्न हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में मनेगा, इस बात को किस तरीके से देखें? देखिए पूजा जी, ये उनका अपना एक बयान हो सकता है और जो दिया है, वैसे ऐसे बयान को आज हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखकर देखा जाए तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में अचानक हमास ज्यादा पैदा हो गए हैं, तो किस तरीके से जो है लोग जो है हमास का इस समय महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके लिए शोक सभाएं रखी जा रही हैं, उसके हमास के लिए जो है क्या क्या नहीं हिंदुस्तान में किया जा रहा है, तो उन्होंने, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई गलत बयान किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में 2014 के बाद किनारे किए गए हिंदुओं को सर, लेकिन टाइमिंग देख रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं आप, बयान की टाइमिंग देखिए। अरे तो हमास का कौन सा टाइमिंग खराब है भाई, हमास का भी तो टाइमिंग है, फिलीपींस युद्ध वहां पर चल रहा है और इजराइल के लिए हमास वालों ने जिस तरीके से कांड किया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया, जोगी कांग्रेस को वोट दे दिया, क्षेत्रीय दल को वोट दे दिया तो सब पाकिस्तानी है क्या? नहीं नहीं, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी है तो आपकी सरकार कर क्या रही है सर, आपकी सरकार कर क्या रही है? नहीं, आप अब दूसरे तरफ ले जा रही है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो कई पार्टियों ने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पास किए हैं उनके खिलाफ, क्या किया जाए? कांग्रेस को बैन, रत्नेश जी काउंटर है आपका, किस तरीके से जो है देश चलेगा, हमास से चलेगा देश? अगर हम अपनी बात कहते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं और वो आज तक तुष्टिकरण करते रहे। AK एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट रत्नेश जी के खिलाफ, उन्हीं के नेता थे,
मनमोहन सिंह जी तो लाल किले के प्राचीर से कहते हैं, वो उसी के नेता थे और हमारे प्रधानमंत्री थे, तो हम क्या सांप्रदायिक हो जाते हैं और ये किस तरीके की बात करके आज हमारे जाते जो है पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो गए, तो अवार्ड अब आप ठीक है। अश्विनी जी रत्नेश जी को सुन लेते हैं। रत्नेश जी देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है हैरान कुकुर हाहाकार, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये हमारे यहाँ की व्यक्ति ये इसका तात्पर्य हुआ कि जब कोई व्यक्ति बौखला जाता है तो वो उलूल जुलूल बातें बोलना शुरू कर देता है। चलिए मैं भी एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। नहीं मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको, आ जाते हैं। हाँ। मैं मेरा एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि भैया मेरे देश के युवाओं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के युवाओं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो बेरोजगार रहोगे, किसानों अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपको आत्महत्या करनी होगी, मेरे देश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बच्चियों अगर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगी तो तुम्हारे साथ बलात्कार किया जाएगा और 8-8 किलोमीटर तुम नंग अवस्था में घूमती रहोगी, कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। मध्य प्रदेश के मेरे आदिवासी भाइयों, यदि आप भाजपा को वोट करेंगे ना तो आपके ऊपर भाजपा का नेता आपके चेहरे पर इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए प्लीज वो गलती आप ना करिए। नहीं मैंने तो भारत पाकिस्तान का नाम भी नहीं, मैंने तो एक राजनीतिक दल पे बोला है। नहीं कृपया आप राजनीतिक दल को यहाँ पर कोट ना करें, मेरे रहते हुए तो कोट ना करें। आपको अगर कोट करना है तो आप व्यक्तिगत अश्विनी जी को फोन लगा लीजिएगा प्लीज, एके मिश्रा जी के पास में जाऊंगी। पूजा जी गलत बात है, क्या उस आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा के नेता ने पेशाब नहीं किया? क्या एक बच्चे 8 किलोमीटर तक नहीं चले? देखिए आज वो सूटेबल टाइम नहीं है रत्नेश जी, आज सूटेबल टाइम नहीं है कि आप इस बात का जिक्र करें और पार्टी विशेष को कोट करके आप प्लीज मत कीजिए। पूजा जी ये वास्तविकता है और ये मैं डंके की चोट पे बोलूंगा कि मध्य प्रदेश की बेटियां, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई और मेरे मध्य प्रदेश के नौजवान, याद रखिएगा अपने उस बेइज्जती की, अपने उन रोजगार के घोटालों को, और ओबीसी भाइयों याद रखिएगा कि आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 सालों से आपका 27% आरक्षण लागू नहीं किया है। ये डंके की चोट पे कहूंगा। मेरे SC ST कम्युनिटी के भाइयों याद रखिएगा कि आपके पदों के मिश्रा जी के पास जाएंगे। मिश्रा जी मिश्रा जी देखिए नरोत्तम मिश्रा जी ने जो किया ठीक वैसा ही कर रहे हैं रत्नेश जी भी। उनको जाने दीजिए, मैं इसका क्लियर कर देता हूँ मामला क्या है। देखिए अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे कानून क्या कहता है उसको जाने दीजिए। भाषा की जो विविधता है स्पेशली हिंदी में, उपमा अलंकार ये एक चीजें होती हैं जिसके थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक उपमा दी कि भाई अगर ये होगा तो ऐसे होगा, यानी जो देश विरोधी ताकते हैं, बीजेपी विरोधी ताकते हैं वो खुश होंगी। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, विपक्ष कितनी बार बोल चुका है कि भाई देश में हिटलर शाही है, इसका मतलब है कि 70 साल पहले जो हिटलर था वो आकर के प्रधानमंत्री बन गया और सारे जर्मन लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये तो है नहीं। अगर कोई बोलता है कि फासीवाद है तो फासीवाद तो इटली के मुसलोनी से निकला था, तो इसका मतलब कि मुसलोनी आ गया है, वो मुख्यमंत्री बन गया है, उसकी सेना आ गई है, उसके सारे मंत्री आ गए हैं। ये जनता को अच्छे तरीके से समझा पाए उपमा और अलंकार को छोड़ते हैं, तथ्य पर आते हैं। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आम आदमी पार्टी की एंट्री और छत्तीसगढ़ के अंदर जोगी पार्टी की एंट्री, कहा जा रहा है कि कई हद तक खेल बिगाड़ा है, कितना आप सहमत हैं और अगर नहीं तो प्लीज उसका तथ्य बताइए दर्शकों को। नहीं देखो बिल्कुल है, मध्य प्रदेश में आप पार्टी 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जो अभी वहाँ नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें निश्चित तौर से आप पार्टी को बहुत बढ़त मिली थी, अगर इन 66 सीटों पर भी आप पार्टी जो नगर पालिका नगर निगम चुनावों में जो समर्थन जनता का मिला तो उतना ले लेती है तो निश्चित तौर से कांग्रेस को वहाँ नुकसान होगा, क्योंकि यदि आप 2018 के आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस को 40% और बीजेपी को 41% वोट मिला था, लेकिन सीटें निश्चित तौर से कांग्रेस की ज्यादा आई थी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 1% का अंतर था। और ऐसी स्थिति में यदि बहुजन समाज पार्टी 181 सीटों पर चुनाव लड़ ले
समाजवादी पार्टी 74 सीटों पर चुनाव लड़ ले, आप 85 सीटों पर चुनाव लड़ ले, या मुझे लगता है कि दो दर्जन सीट भी इन पार्टियों ने प्रभावित कर दी, कुछ और रिजल्ट हो सकता है, इसका कोई दो राय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि ऐसी सीट की वहां 47 सीटें हैं, 2018 में कांग्रेस को बहुत बड़ा समर्थन वहां मिला, 16 सीटें बीजेपी को मिली और 30 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और एसटी सीट की बात करें, वहां 35 सीटें हैं, उसमें लगभग 18 भाजपा को और 17 कांग्रेस को मिली, तो वहां लगभग थोड़ा सा एक सीट आगे पीछे थी। लेकिन यार एससी का मामला करें तो कांग्रेस को वहां बहुत बढ़त थी। ठीक है, ऐसी स्थिति जी, मैं आपके पास वापस से आऊंगी, आपके माइक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं अश्विनी जी के पास जाती हूँ। अश्विनी जी, लगातार देखिए आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी हमारी एंट्री से इतना ज्यादा बौखलाई हुई है, यही वजह है कि सीबीआई हो, ईडी हो, इन तमाम लोगों को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। और कमलनाथ ने भी आरोप लगाया है कि पैसे और शराब चल रहे हैं। देखिए, आरोप लगाया है, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग आरोप ही लगा सकते हैं। 18 दलों के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए इसी काम के लिए कि हमको ईडी परेशान कर रही है, सीबीआई परेशान कर रही है। सुप्रीम तमाचा पड़ा, उस केस को डिसमिस करके इन लोगों को वापस कर दिया गया कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, आप लोग जाइए। फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 1,00,000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां बरामद हो चुकी, सौम्या चौरसिया हो, चाहे छत्तीसगढ़ में और चाहे बंगाल में, जो है कई मंत्री हैं जिनके यहाँ करोड़ रुपए पकड़े गए। तो आज देखने को यही मिल रहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये लोग आरोप लगाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए माननीय सिसोदिया जी के वकील, लेकिन जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जी तो भले जानकार है हर चीज के, संजय सिंह निरपराध है, इनको भी जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि केस में इतना दम हो गया है कि माननीय न्यायालय इनको जमानत देने से भी जो है बच रही है कि जमानत नहीं मिलना चाहिए। तो ये लोग इन चीजों को जाकर खराब करेंगे आगे, साक्ष्यों को, सबूतों को, तो ये आरोप लगाएंगे। और जो पैसा बांटता है, कमलनाथ जी की तो इतनी खराब होती है कि अपने क्षेत्र में, मैंने ये भी बताया कि अपने क्षेत्र में माननीय स्वराज जी कैसे क्षेत्र, तो वहां पर आपकी बहनें जुटी थी सेल्फी लेने पर आगे हो, तो वहां पर लेकिन अश्विनी जी इस बात को आप दरकिनार तो नहीं कर सकते ना, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ओबीसी और आदिवासी आपसे खासे खुश नहीं है। शायद यही वजह है कि झारखंड तक का दौरा करना पड़ा था प्रधानमंत्री जी को, बिरसा मुंडा को जो है माल्यार्पण करके आए। देखिए, वो अब चले गए वहाँ माल्यार्पण करने, उसको इससे जोड़िए तो वो आपकी अलग चीज है। आप सर, आप बीजेपी हैं, कुछ भी घटित होगा, इतना आसान तो नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप। पूजा जी, देखिए मैं बता, 15,00,000 महिलाओं को कौशल विकास के कार्यक्रम की बात हम लोगों ने की, 3,00,000 करोड़ जनजाति और आदिवासी कल्याण के लिए रखने की बात है, और सब बड़ा छत्तीसगढ़ आपकी 20 सीटों के चुनाव हो गए के बाद। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो, अश्विनी जी मैं मना नहीं कर रही हूँ, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत डैमेज कंट्रोल किया है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत घोषणा भी करी, लेकिन आपके कार्यकर्ता जो पानी फेर रहे हैं उसका क्या कीजिएगा। देखिए, कार्यकर्ता हमारे कोई पानी नहीं फेर रहे हैं, हमारे यहाँ से कोई आवाज नहीं। देखिए, किस तरीके से इनके यहाँ तो कुर्ता फाड़ने की नौबत आ गई है, मंच पर कुर्ता फाड़ा जा रहा है, देव साहब के साथ जो लोगों ने जो काम किया धोखा देने का, तो महाराजा राजा तो उनके दिमाग नहीं है, उनके दिमाग सब चीज कर रही है, तो किस तरीके से अंदर है वो। ठीक है, रत्नेश जी के पास जाऊंगी। रत्नेश जी, टीएस सिंहदेव का जिक्र हुआ है, भूपेश बघेल का जिक्र हुआ है, मैं भी ये सवाल समझना चाहूंगी कि क्या सत्ता को लेकर के इतनी ज्यादा कुलबुलाहट कांग्रेस के अंदर है, आप लोग क्या अपनी पार्टी को भी संभाल करके नहीं रख पा रहे हो, और अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो जनता के बीच आप किस मुंह से जाएंगे और क्या कहेंगे कि आपने हमको जनादेश तो दे दिया, लेकिन उस जनादेश को कोई विभीषण आएगा और वो ले जा करके किसी और पार्टी को दे देगा। देखिए पूजा जी, कौन अपनी पार्टी को ठीक से संभाल पाया, कौन नहीं संभाल पाया, अगर आप प्रत्याशियों की लिस्ट देखें तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सर, वर्तमान सांसदों को नहीं, वर्तमान सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किस पार्टी ने किया,
अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो कहते थे कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, जाऊंगा 10-12 सभाएं करूंगा, उनको विधानसभा का टिकट किस पार्टी ने दिया? दूसरी बात, किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके प्रत्याशी को गो बैक के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए? आपने भी देखा, हमने भी देखा, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, राजस्थान की जनता ने भी देखा। तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है किसके यहाँ क्या चल रहा है। राज्यवर्धन राठौड़ जी का विरोध हुआ ना, बालकनाथ जी का विरोध हुआ ना, रत्नेश जी मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने अपने की हुई घोषणा कर पिटीशन किया था, ये भी मैंने देखा। देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनको लगता है कि कोई नई योजना देनी चाहिए तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छी घोषणाएं तो प्रधानमंत्री जी रोज करते रहते हैं, फिर तो प्रधानमंत्री जी पे भी प्रश्न बनेगा, प्रधानमंत्री जी पे भी आएगा। और एक बड़ी मजे की बात मैं कहना चाहूंगा पूजा जी, मैं पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में था, सिवनी में प्रधानमंत्री जी की रैली थी 5 तारीख को, तो मैं उसी क्षेत्र में प्रचार कर रहा था अपनी पार्टी का, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी को भौगोलिक ज्ञान भी नहीं है। वो बैठे हुए थे शंकराचार्य की जन्मभूमि पर और नारे लगवा रहे थे लखनऊ दौरा का। मतलब प्रधानमंत्री जी का स्क्रिप्ट जो लिखा लोगों ने वो भी गलत लिख दिया, और जो मतलब करना था अर्थ प्रधानमंत्री जी कर गए अनर्थ। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे कि मोदी ही गारंटी है, तो जब मैंने उनका स्टेटमेंट सुना तो मैं सोचने लगा यार कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो फेल हो गया, 500 स्मार्ट सिटी देंगे तो फेल हो गया, किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो फेल हो गया, बुलेट ट्रेन चलाएंगे ये तो फेल हो गया। मतलब 2014 से अब तक की सारी गारंटियां प्रधानमंत्री जी की फेल हो गई, तो प्रधानमंत्री जी तो स्वयं में फेल गारंटी हो गए। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी में इतना कॉन्फिडेंस पूजा जी कहां से आता है। लेकिन सर रत्नेश जी बघेल जी जिस सड़क पर अपने गारंटी की गाड़ी दौड़ाएंगे वो सड़क भी नहीं वो बना पाए हैं। आप क्या ही बात कर रहे हैं, आप उनके गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, अपना बैलगाड़ी चलाइएगा क्या? अनिल जी के पास जाऊंगी मैं, इंदिरा गांधी थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में धैर्य की बड़ी कमी है। मोदी जी ने 14 गारंटी की थी फेल हो गई। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था हमारे बिलासपुर श्रीकांत वर्मा, जो उनकी स्क्रिप्ट लिखा था, तो क्या गरीबी हटा? अनिल जी आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, मैं एक बार फिर से मेरी टीम से कहूंगी कि आपकी आवाज को कनेक्ट करें प्लीज। मैं जरा जवाब दे दूं। जी अश्विनी जी, रत्नेश भाई 2-3 कष्ट था। एक तो कष्ट था कि हमारे केंद्रीय नेता जो है आकर चुनाव लड़ रहे हैं। रत्नेश भाई मैं बता दूं, हम लोगों ने ये प्रयोग बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए। बंगाल में हमने ये प्रयोग किया, नीतीश प्रमाणिक जी, लाकेट चटर्जी जी और उस समय बाबुल सुप्रियो भी हमारे साथ थे। कुछ सीट हारे भी हम, कुछ सीटें, लेकिन अगल बगल की सीट जीतकर हम 3 से 77 हो गए। सर आप क्या बात कर रहे हो, सर आप क्या बात कर रहे हो, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, क्या बात कर रहे हो? चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और आप तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। और जाते जाते देखिए आधे घंटे का समय बाकी रह गया है, वोट कास्ट कीजिए। फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो न्यूज इंडिया की आपसे सिर्फ और सिर्फ एक अपील कि पहले करें मतदान, उसके बाद करें शाम का जलपान। बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप मतदान करें, क्योंकि आप अपनी उंगली पे स्याही लगाएंगे और वो स्याही आपके क्षेत्र का, आपके परिवार का, आपके अपनों का भविष्य परिवर्तित कर देगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें जो आपको मोटिवेट भी करेंगी और आपको बताएंगी कि आपको भी वोट कास्ट करना चाहिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर की तस्वीरें, दिग्विजय सिंह वोट कास्ट करते हुए, उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी ने वोट कास्ट कर दिया है और अपनी उंगलियों पर स्याही लगा ली है और उंगली के इशारे से आपको बता रहे हैं कि आपको भी वोट करना चाहिए ताकि आप, आपके घर के बाहर की सड़क ना बनी हो या आपके घर में ना आए पानी, आप हर एक शिकायत का समाधान पूरे अधिकार के साथ मांग पाएं। उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप वोट करें, ईवीएम का बटन दबाना बहुत जरूरी है,
मध्य प्रदेश में दिग्गजों का मतदान हो चुका है और अब बारी आपकी है। देखिए, ये मतदान का जो उत्सव होता है यही एक महापर्व है जिसमें राजा हो या रंक सब एक जैसे हैं, सबकी उंगली पर एक ही स्याही और वही उम्मीद। चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, रत्नेश जी हैं, अश्विनी जी, सुनील कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अनिल सर सुबह से ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए हैं लेकिन मुखरता वही बरकरार है। और शुरुआत में अनिल जी के साथ ही करूंगी। अनिल जी, बहुत लंबा इंतजार आपकी मधुर वाणी के लिए मेरे ख्याल से जनता कर रही होगी, तो प्लीज थोड़ा सा जो ये वोटिंग परसेंटेज है इस पर प्रकाश डालिए कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसके बाद आपको रुझान किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि सर, मैं समझना चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी और अजीत जोगी की जो पार्टी है उसके दखल के बाद, क्षेत्रीय पार्टियों के दखल के बाद कितना ज्यादा रोचक हो गया इस बार का मुकाबला। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी यहाँ आई और आते ही उन्होंने 10 गारंटी जो पंजाब वाली और दिल्ली वाली यहाँ दोहरा दी। उसके बाद वो बस्तर गए और बस्तर में उन्होंने सीधे सीधे कहा हमारी सरकार आएगी, हम पेशा कानून लागू कर देंगे, 10 दिन के अंदर जो है सरकार बनने के 10 दिन के अंदर जल जंगल जमीन पे जो है ग्राम पंचायतों के जरिए वनवासियों का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, क्या कारण है, वो सिनेरियो से बाहर हो गए। योगी जी की पार्टी की बात करें तो पिछली बार 7 विधायक थे उनके, लेकिन तब अजीत जोगी जिंदा थे। देखिए, अजीत जोगी से पार्टी जरूर विरासत में अमित जोगी को मिली है लेकिन अजीत जोगी जैसा सम्मान और संगठनात्मक या उनके लोग वो करिश्मा नहीं मिला उनके। देखिए, अजीत जोगी के जाने के बाद उनके 2 बड़े विधायक एक धर्मवीर सिंह एक प्रमोद शर्मा पार्टी छोड़ के चले गए, तो अब वो करिश्मा उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि अमित जोगी ताल ठोककर भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़ जरूर दिए हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई कुछ करेंगे। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपने जो पूछी, इनका इस चुनाव में इनकी भूमिका क्या होगी। बिल्कुल, इनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई भूमिका नहीं। चाहे आप हो, चाहे जो भी कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, ये आप ही कांग्रेस के ही परंपरागत वोट पे डेंट करते हैं, बीजेपी का वोट हिलता नहीं। तो बीजेपी के साथ जो बीजेपी जो शुरुआत में जो पिछड़ रही थी उसके बाद जैसे देखिए 78% जो है पहले चरण में चुनाव हुआ, अभी भी 55% पहुंच गया। और देखिए भोपाल में जो शहर है, यहाँ रायपुर की भी बात कर रहा हूँ, पहले मध्य प्रदेश अखंड मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहर होते थे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रायपुर। रायपुर सबसे आखिरी का 5वां शहर था। मध्य प्रदेश में भी जो है भोपाल में कम है, ग्वालियर में कम है, जबलपुर में कम है, इंदौर में भी कम है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है बुधनी में 67% चला गया या 63% है, खरगोन में 63% है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मतदान बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मतदान 70% के पार जाएगा। और चिंता तो दोनों ही पार्टी के लिए बनी रहती है, अगर ज्यादा हो गया तो एंटी। लेकिन आपके बयान के बाद रत्नेश जी के माथे पर थोड़ा सा शिकन और पसीना दोनों आ गया होगा कि अब तो करना क्या है भाई। रत्नेश जी जी, रत्नेश जी आपका फ्रेम शायद म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। देखिए पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही है, बोले पूजा जी। देखिए, जनता जनार्दन है इस देश में और वो इस बात का निर्धारण करती है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन बाहर जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं लगभग 10 दिनों तक मैंने मध्य प्रदेश में काम किया अपनी पार्टी के लिए, तो मैंने ये महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आदिवासी और ओबीसी जो जातियां हैं उनमें बीजेपी को लेकर गुस्सा है। और जो ओबीसी के जो युवा, जिनको जब मैंने बताया कि जो 27% रिजर्वेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि अच्छा भैया ऐसा भी हुआ है। जब मैं SC ST के बच्चों को बताता कि आपकी नौकरियों को बैकलॉग दिखा के और 4-5 साल लेकिन सर आप सिवनी भर में ना बता पाए हैं, सिवनी भर में बता पाए हैं? नहीं नहीं, बाकी जिलों का क्या कीजिएगा क्योंकि वहां पे तो मोदी मैजिक चल रहा है। क्षेत्रों में गया था, सुनिए तो मैडम, सुनिए तो, मैं 7 विधानसभा क्षेत्रों में गया था, ठीक है, 7 विधानसभा क्षेत्रों में गया था, तो मैंने वहां पर ये बताया कायदे से और वो लोग सुनते थे, उनको नई चीजें पता चलती थी। मैंने वहां पर एक चीज भी देखी कि जिस तरह से हम लोग ग्राउंड पे थे
भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखती थी, इनके बस वो नेता बड़े बड़े दावे करते थे और बड़े लेकिन, बड़े लेकिन दावे रत्नेश जी मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है रत्नेश जी कि आपको लोगों को बताने से ज्यादा आपको अपने वरिष्ठ जो नेता है ना उनको बताना चाहिए था कि वो मंच से ऐसा बोलते तो शायद उसका प्रभाव और ज्यादा मुखरता से पड़ता। अनिल जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं पूजा जी, नहीं नहीं पूजा जी देखिए, जब देखिए ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल फोर फादर है दीनदयाल उपाध्याय जी। मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं तो उनको मैंने एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर पढ़ा है। वो कहते थे कि वही नेता अच्छा होता है जो जनता के बीच जाकर जनता से बात करता है, मंचों से राजनीति नहीं की जाती है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था, तो हमने उनकी एक छोटी सी बात को मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्रों में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया, हम सीधा जनता के पास गए। अब अगर दीनदयाल उपाध्याय जी गलत थे, ठीक है, तो ये थ्योरी थोड़ा सा राहुल गांधी जी को भी समझाइए। अश्विनी जी के पास में जाऊंगी। अश्विनी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन परसेंटेज से, क्योंकि हम लगातार देखिए परसेंटेज का भी जिक्र कर रहे हैं और अब आखिरी का आधा घंटा बचा हुआ है और इस आधे घंटे में विश्लेषण भी है, मंथन भी है और आपकी धड़कनें तो मेरे ख्याल से बढ़ी हुई होंगी। देखिए पूजा जी, जो अभी अनिल जी ने जो समीक्षा की और जो बताया अभी कि ये 70% से ऊपर जाया, मैंने भी यही कहा था, क्योंकि अभी लाइन लगनी शुरू होती है, इसके बाद वो 6 बजे तक 7 बजे तक वोट चलता है, बिल्कुल, तो फाइनल वोटिंग जब तक आएगा ये 70+ पर जाएगा। और अभी अनिल जी ने जो कहा जिस तरीके से कि वहां पर छत्तीसगढ़ की जो बात बताई अजीत जोगी और आम आदमी पार्टी की, तो वो तो इतिहास गवाह है, कहां जहां ये लोग गए वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साथ है और भारतीय जनता पार्टी का वहां से प्रादुर्भाव हुआ, तो ये हमारे लिए। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कहीं कि अजीत जोगी जी के बेटे अमित जोगी को मोटिवेशन आप ही की तरफ से आया हो कि खड़े हो जाओ चुनाव में? अब हम तो राहुल गांधी को भी मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन क्या करें, उनको जो है मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत बेचते हैं, हम तो उनको भी सोचते हैं कि वो भी बेहतर रहे, राहुल जी भी कम से कम, मतलब आप मान रहे हैं कि मोटिवेट किया है आपने? नहीं, राहुल गांधी को भी मोटिवेट हम करते रहते हैं, लेकिन वही वो पुल जलूल अपने केदारनाथ चले गए, वहाँ पर मोदी को नारे लग रहे थे, केदारनाथ में मोदी के समर्थक है। पूजा पूजा, आपने जो पूछा है ना वो बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अमित जोगी ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और यही वजह है कि मैंने ये सवाल पूछा है। अमित जोगी जी ने लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से नामांकन कर दिया वो बहुत चौंकाने वाला था, उतरे भी भूपेश बघेल के खिलाफ, और वो भी भूपेश बघेल के खिलाफ। सर आपका मोटिवेशन तो नहीं है सर? देखिए मोटिवेशन अब राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनका एक राजनीतिक दल है, तो क्या कहते हैं क्या करते हैं ये उनका। नहीं अश्विनी जी, मोटिवेशन था या पीछे के रास्ते से कोई 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 डील थी लग रहा है कौशिक जी? अब सर वो डील स्क्रीन पे थोड़ी ना डिस्क्लोज करेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं। वो चेहरे की पूजा जी, चेहरे की मुस्कुराहट और शब्द बता देते हैं, न बताएं शब्दों से तो क्या फर्क पड़ता है। मैनेजमेंट ठीक है अश्विनी जी, मुस्कुरा कर ये कह दीजिए कि वोट मैनेज हो गया है। वोट तो जनता ने किया है मोदी जी के, जनता ने आप उसमें वो बात नहीं, एक उदाहरण बात करना चाह रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर हमसे वो आज है तो 20 चुनाव के बाद के लिए अश्विनी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मायावती जी का एक वीडियो वायरल होता है कि भाजपा को वोट दो हमारे प्रत्याशी नहीं जीत रहे हैं, और मायावती आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया और उस वीडियो वायरल से फायदा आपको होगा, ये कुछ समझ में नहीं आई कहानी क्या है? देखिए ये मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी के ऊपर दुर्गा का साक्षात है, तीर चलाएगा अपने तरफ, मोदी के ऊपर जनता का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छी नीति के कारण अपने बेहतर व्यवस्थाओं के कारण कोई भी तीर जलाएगा और मोदी जी के ऊपर फूल बन के बरस जाएंगे। देखिए ना पूजा जी रत्नेश जी काउंटर है जी। देखिए पूजा जी कुछ नहीं अरे सर अब क्या लीजिएगा, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया ना कि दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अब और ज्यादा क्या लीजिएगा, ऑन स्क्रीन स्वीकार कर लिया सर। नहीं देखिए पूजा जी
अभी अभी अश्विनी भाई ने कहा कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि राहुल गांधी जी के एक सिपाही जिसके ऊपर प्रभु सियाराम का आशीर्वाद है और उन्होंने उसे अपने जन्मभूमि पर स्थान दिया, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी है और अयोध्या से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है और हम अयोध्या में भगवान सियाराम के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी के इस कुशासन से देश को मुक्त कराने का काम करेंगे। जो जनता धीरे धीरे समझ रही है कि इनकी बातें केवल खोखली हैं, वो हवाई फायर है, उससे कोई नहीं होने वाला। अब प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां कहां से, अभी मैंने देखा एक वो ऐसे सर्वर ठोक के पर अश्विनी जी से एक सवाल का मैं जवाब ले लेती हूं, क्योंकि देखिए समय समाप्त होने वाला है और वो जवाब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अश्विनी जी, आपके पहले अनामिका जी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, अनामिका जी से भी ये सवाल मैंने पूछा था, ये सवाल मैं दोहरा रही हूँ, माफी के साथ दोहरा रही हूँ। बुंदेलखंड प्यासा है सर, बुंदेलखंड बहुत प्यासा है सर, और आप उन क्षेत्रों में जाइए और वो जो तकलीफ है लोगों की, वो तकलीफ देखी नहीं जाती है सर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब बुंदेलखंड को दो भागों में आप बांट, उत्तर प्रदेश की तरफ बुंदेलखंड पड़ता है, वहां की प्रमुख समस्या थी पानी की, अन्न पशुओं की समस्या इसी से पैदा हुई था, चाहे वो मध्य प्रदेश का अन्ना पशु की समस्या सर, वहाँ पर अभी भी समाधान उसका नहीं हुआ है। बांदा यूनिवर्सिटी में मेरे एक जानकार काम करते हैं, बता रहे थे काम करते हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं। आज के पहले सरकारों के साथ मैं उत्तर प्रदेश वाली अभी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई पानी का ध्यान नहीं था, लेकिन आज हर घर नल से जल की योजना है लगभग 80% में हो चुकी है और 60% में हो चुकी है, पूरा काम नहीं हुआ। तो हम पहुंच पहले कोई काम नहीं करता था और नहीं होता था, अपना पशु उसी आंदोलन चले जाते थे पूजा करके कि पानी नहीं कर पा रहा हूँ, आप तक करूंगा, आप क्या कर सकते क्योंकि चारा का ठीक है। रत्नेश जी 10 सेकंड आपके लिए, क्योंकि इसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। ऐसी विडंबना है ये कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही बता रहा है, आप सवाल पूछ रही हैं मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड की समस्या पर, वो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से सटे वाले सर, लेकिन समाधान ये कहीं नहीं कर पाए, ना उत्तर प्रदेश की तरफ कर पाए ना मध्य प्रदेश की तरफ कर पाए। में इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया, क्योंकि 10 सालों से ज्यादा आप केंद्र में है, 18 सालों से आप प्रदेश चलिए 18 सालों से नहीं हुआ है जनता का समाधान, लेकिन अब जनता के हिस्से में है बॉल जो है, अब वो तय करेंगे कि किसे अर्श मिलेगा किसे फर्श मिलेगा। लेकिन जाते जाते आपसे बस एक ही अपील कि अगर अभी आप पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएंगे तो कितना भी समय बीत जाए सर, आपका वोट कास्ट होगा जरूर, और आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, इस बात को समझिए। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो था वो 55.31%, मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 60.52% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। देखिए वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं और आपको जादू की मशीन भी दिखा रहे हैं, ये वही जादू की मशीन है जो आपकी उंगली के निशान को कैद करके आपके क्षेत्र का के भाग्य का फैसला करती है। चुनावी संग्राम वोटर्स के हाथ में है समाधान, वोटर्स यानी कि आपके हाथों में समाधान है, और अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के जिम्मेदारी को आप पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। न्यूज इंडिया पर लगातार पूरे दिन से महा कवरेज, और आखिरी में हमारी आपसे सिर्फ एक ही अपील कि अभी तक अगर नहीं निकले हैं घरों से बाहर तो निकलिए और बहुत जल्दी से अपने घर के करीब के पोलिंग बूथ पर पहुंच जाइए, क्योंकि आज नहीं तो 5 साल तक तो बिल्कुल नहीं, आपके क्षेत्र का आपकी विधानसभा का फैसला आपको करना है।
मध्य प्रदेश में 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं, 60.52% मतदान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये मत प्रतिशत 55.13% रहा। सीधे रुख करेंगे राजस्थान के अजमेर का, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं तो 10 मिनट खड़ा रह जाता हूं मैं नारे, मुझे जल्दी नहीं है, चालू करूं पक्का 100%। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, आज जब मैं आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जब आप राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वोट डाले तब ऐसे मत सोचिए कि आप किसी को विधायक देने के लिए वोट डालने जा रहे हो। ऐसा भी मत सोचिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हो। भाई और बहनों, आपका एक वोट राजस्थान और देश को खुशहाल करने के लिए आपका एक वोट, आपका एक वोट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट है। आपने 5 साल तक कांग्रेस की सरकार देखी। मैं आपको कहता हूं 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है तो भ्रष्टाचार करने का कार्यक्रम किया है। एक कुछ युवा लाल कलर का शर्ट और जर्सी पहनकर आए हैं। अरे भाई ठीक है, मेरी सभा में तो आ गए, गहलोत साहब की सभा में मत जाना, न तो आजकल जैसे बैल लाल कलर को देखकर सांड लाल कलर को देखकर दौड़ता है ऐसे गहलोत साहब होते हैं। आपको मालूम है क्यों होता है ऐसा? जरा जोर से बोलो क्यों होता है, क्यों होता है? लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है। मैं आज राजस्थान की अजमेर की पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने टोटल भ्रष्टाचार नहीं किया होगा इतना गहलोत ने 5 साल में करने का काम किया है। 5 साल के अंदर खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया, खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया, उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया, प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन की खदान देने में 1,000 करोड़ का घोटाला किया, इनके सचिवालय में सेक्रेटरिएट में सचिवों के कमरे से अलमारी से 2 करोड़ रुपया और किलो में कुछ सोना मिलता है, किलो में। शर्म करो गहलोत जी। और फिर भी आज आप किसी की जांच नहीं कर रहे हो, काली सिंध बांध के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला किया और मोदी जी गेहूं बाजरा चावल बेचते हैं वो राशन में भी 1,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार खा गई। भाइयों और बहनों, 1,000 करोड़ जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते हैं वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए कर सकते हैं। जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को
तो चलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार सबके लिए फोकस का विषय। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज जारी हो चुका है, वोटिंग लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 55.31% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 60.52% वोटिंग दर्ज की गई। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। प्रदीप नामदेव रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? वोटिंग परसेंटेज हम लगातार 3 बजे तक का दिखा रहे हैं, अगर 5 बजे तक के आंकड़ों का जिक्र करूं तो किस तरह के परसेंटेज निकलकर सामने आ सकते हैं छत्तीसगढ़ से? प्रदीप, देखिए 5 बजे तक की अगर बात करें तो 5 बजे तक हो सकता है कि 70 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो पोलिंग बूथ की जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, वहां पर लगातार लोगों की लाइन लगी हुई है और एक एक कर मतदान कर रहे हैं। और अभी अगर 3 बजे तक की बात करें तो 3 बजे तक 55% जो है मतदान हुआ है। और अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर की जो ग्रामीण विधानसभा सीट है उसमें सबसे कम जो प्रतिशत है वो है, और अगर सबसे ज्यादा की बात करें 55% में तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो चलता आ रहा है उसके चलते अगर गोरिल्ला प्रेंडा मारवाही पहले से आगे चल रहा था लेकिन अचानक से एकदम से डाउन हो गया। गोरिल्ला प्रेंडा मारवाही का प्रतिशत गिरा है, यहाँ पर 45% मतदान हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो धमतरी में देखिए तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, 63% मतदान धमतरी में हुआ है। और अगर ठीक है, विनीत का रुख मैं करूंगे, आपके पास में लौटती हूँ प्रदीप, विनीत का रुख करूंगी। विनीत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी मेरे पास। बिल्कुल विनीत, मौजूदा जो आंकड़े हैं वो दर्शकों के साथ में शेयर कीजिए और बताइए कि दर्शकों में कितना उत्साह है, क्योंकि आखिरी के ही कुछ मिनट अब बाकी रह गए हैं। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में अगर 3 बजे तक मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो 60.52% अभी तक मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा 72% शाजापुर में मतदान हुआ है, उसके बाद 70% आगर मालवा में मतदान हुआ है, उसके बाद 69% मतदान नीमच में हुआ है। वहीं अगर सबसे कम मतदान की बात करें तो यह आश्चर्य और चौंकाने वाला है, क्योंकि भोपाल की 4 विधानसभा सीट पर मध्य प्रदेश का सबसे कम मतदान हुआ है। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि जो दिमनी से एक घटना घटित हुई थी कि एक मृत्यु हो गई है, वो सॉरी छतरपुर से जो एक घटना सामने आई थी वो कल रात की बताई गई है। पोल के टाइम पे अभी कोई भी किसी प्रकार की इस तरीके की दुर्घटना नहीं हुई है, छुटपुट घटनाएं हुई हैं जो कि जांच का विषय है। जी बिल्कुल, चलिए शमशेर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शमशेर का रुख मैं करूंगी। शमशेर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए शमशेर का रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप के पास जाती हूँ। प्रदीप, देखिए आम आदमी पार्टी के एंट्री का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और अजीत जोगी की जो पार्टी है जोगी कांग्रेस, उसने खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में कितना रुझान इन दोनों ही पार्टियों को लेकर के नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। देखिए अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 4th नंबर पर अब अपनी पोजीशन जो है छत्तीसगढ़ में बना चुकी है, और कांग्रेस जनता कांग्रेस अजीत जोगी की पार्टी की बात करें तो ये पुरानी पार्टी है, लेकिन अब उतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भाजपा और कांग्रेस को इससे काफी नुकसान होगा। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के काफी वोट कटेंगे, जिससे दोनों को नुकसान होगा और आने वाले समय में यह नुकसान देखने को मिलेगा। पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अगर रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 7 पर मतदान जारी है। और अगर रायपुर उत्तर की बात करें तो रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से कुलदीप जुनेजा प्रत्याशी है कांग्रेस की, और भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा है, और कांग्रेस से बागी होकर जो कांग्रेस पार्षद थे
अजीत कुकरेजा वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो लगातार न्यूज इंडिया पर आपने देखी महा कवरेज, और ऐसे में कुछ ही मिनटों का समय बाकी रह गया। अगर आप अभी भी अपने बूथ तक, करीबी बूथ तक नहीं पहुंचे हैं, तो यही समय है, बूथ पर पहुंचिए, आपका वोट कास्ट जरूर होगा।